डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिड्स मेजर्स। इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो गाइज, इस वीडियो में मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम, इवन आपके इंटरव्यूज में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रिंग की बात करें कि स्ट्रिंग होती क्या है, मतलब सी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मली आपने स्ट्रिंग वर्ड तो सुना ही होगा, तो आपको मे बी ऑलरेडी पता हो कि स्ट्रिंग का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज व्हाट अ स्ट्रिंग। लेकिन इसमें जो है, जब भी हम सी प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो इसमें छोटे से एक दो पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो व्हाट इज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर कैरेक्टर्स, बात वही है अभी तक, सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड बिटवीन डबल कोट इज नोन एज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। देखो, जैसे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, हेलो, ये क्या है, एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। डबल कोट्स में जो भी हम लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, चाहे एक लिखो, चाहे दो लिखो, चाहे मल्टीपल लिखो, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। इसके छोटे छोटे एग्जांपल जो है वो आपको यहां पे दिखेंगे। जैसे मैंने एक सिंगल कैरेक्टर लिया एस, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। एक्स वाई जेड, ये भी, यहां पे क्या लिया, स्पेस अकेला, दैट इज, यहां पे कोई स्पेस नहीं, एम्प्टी, दैट इज ऑल्सो। इसके अलावा जैसे प्रिंट एफ के साथ हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ड, वो भी क्या है, एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का पार्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या आता है कि जब भी हम इस चीज से स्टोर करते हैं, इस चीज को जब भी हम स्टोर करते हैं तो किस तरीके से स्टोर करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का, स्टोर करने का तरीका क्या है कि जो भी स्ट्रिंग आप लिखते हो, जो भी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट आप लिखते हो, उसके लास्ट में क्या आएगा, फॉरवर्ड स्लैश जीरो, ठीक है ना, ये जीरो जो है वो लास्ट में आएगा। कैसे, ये देखो, जैसे अगर मैं हेलो को स्टोर कर रहा हूं, तो हेलो को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एच ई एल एल ओ फॉरवर्ड स्लैश जीरो नल, ठीक है, तो ये नल जो है वो लास्ट में आएगा। और आपको पता है कि हर कैरेक्टर, ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि इट इज व्हाट, इट इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर, Yes, string is also known as what, array of character. तो आपको यहां से डायग्राम में भी इस तरीके से दिख रहा होगा। तो वही, जैसे हम नॉर्मली कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, तो यहां पे भी वही, जैसे आपका ये एड्रेस क्या होगा, 1000, ये 1, बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज टेकिंग व्हाट, 1 byte. तो यहां पे 1002, 3, 1004, 1005, ठीक है ना। तो अगर मेरी स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर है तो मेरा टोटल स्टोरेज कितना यूज होगा, 6 यूज होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, फॉरवर्ड स्लैश जीरो, ठीक है ना, नल लास्ट में। और इसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है गाइस, कि जब भी हम इस तरीके से करेक्टर ऑफ एरे लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी पॉइंटर जो है वो पहली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो मेरे को इनिशियलाइज पता लग गया, स्टार्ट पता लग गया एड्रेस, लेकिन लास्ट क्या है, लास्ट आपका जो है स्ट्रिंग कहां पे खत्म हो रही है वो आपका नल करेक्टर जो है वो बताता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मैंने यहां पे, ये देखो, डबल कोट्स में मैंने लिखा एस, मतलब अगर मैं इस तरीके से डबल कोट्स में एस लिखता हूं और अगर मैं सिंगल कोट में एस लिखता हूं, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये क्या है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ये क्या है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो जब इसको स्टोर करेंगे, ये एक लोकेशन लेगा जहां पे एस, लेकिन अगर मैं इसको स्टोर करता हूं तो ये कैसे स्टोर होगा, ये स्टोर होगा एस और नल फॉरवर्ड स्लैश जीरो, तो यानी ये दो लोकेशन लेगा, ठीक है ना। बस यही डिफरेंस है किसमें, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट और नॉर्मल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में। देन अगर हम बात करें यहां पे नेक्स्ट, All characters are converted into the corresponding ASCII value and then stored in the memory as a contiguous allocation. ये भी बड़ा important point है, कई बार interview में या competitive exam में पूछ लेते हैं कि हम जल्दी जो, जैसे HELLO, तो या ये मेमोरी में ऐसी स्टोर होगा HELLO, नहीं, मेमोरी के अंदर इसकी ASCII वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। जैसे मैंने एक्स वाई जेड को स्टोर करना है, तो एक्स वाई जेड को स्टोर करेंगे तो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, एक्स स्मॉल एक्स है तो इसकी ASCII वैल्यू क्या है, 120, देन वाई की क्या है, 121, जेड की क्या है, 122, और फाइनली आपका फॉरवर्ड स्लैश जीरो नल, और इसकी ASCII वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस तरीके से जो है ये मेमोरी में स्टोर होता है।
होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं मेमोरी में इस तरीके से। देन स्ट्रिंग वेरिएबल, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट की कहानी पता लगी, स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल भी बोल देते हैं उसकी कहानी पता लगी। अब स्ट्रिंग वेरिएबल, द एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप इज नोन एज स्ट्रिंग वेरिएबल। वही जैसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं ना, कैरेक्टर एरे हमने लिया ए और उसका साइज दे दिया 10, इट इज व्हाट नोन एज स्ट्रिंग वेरिएबल। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब आपको ये पॉइंट्स पता लग गए तो नेक्स्ट जब भी हम इसके बारे में फर्दर लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, तब आपको और ज्यादा कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। देन यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल की भी बात हो जाती है, कई बार पूछ लेते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम चेंज कर सके, और इम्यूटेबल मतलब जो कि कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। और आपको ये भी पता लगेगा इस एग्जाम्पल से कि कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रिंग को। तो देखो stdio.h मेन आ गया, कैरेक्टर स्टार p, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया P of type character, और उसमें मैंने क्या दे दिया, hello। तो यानी होगा क्या आपका इस तरीके से H L L O और forward slash zero, ठीक है, और इसका जो है एक pointer आ गया P, और वो point कर रहा है किसको, आपका पहले address को। तो ये जो है वो star P hello, इस तरीके से आप initialize कर सकते हो string को। दूसरा तरीका, आप character array, ठीक है ना भाई, string variable के form में आपने बना दिया, और यहाँ पे आपने एक A एरे ले लिया, कैरेक्टर एरे ले लिया, और उसमें क्या वैल्यू दे दी, उसमें आपने हेलो वैल्यू जो है वो पास कर दी, ठीक है। तो ये भी तरीका है। और देन अगर हम बात करें प्रिंट एफ पी किया तो क्या आएगा, हेलो विल बी प्रिंटेड, ठीक है, और प्रिंट एफ ए किया तो क्या प्रिंट होगा, हेलो विल बी प्रिंटेड, क्योंकि यहाँ पे परसेंट एस मतलब स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। और देन अगर मैं ए ऑफ जीरो में एफ डाल दू, मतलब ए ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि ये मैंने जो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था यहाँ पे a ऑफ जीरो की अगर हम बात करें तो a ऑफ जीरो का मतलब क्या है, a ऑफ जीरो मतलब ये वाली वैल्यू, ये a ऑफ जीरो हो गया, ये a ऑफ वन हो गया, ये a ऑफ टू, a ऑफ थ्री, a ऑफ फोर, a ऑफ फाइव। तो a ऑफ जीरो में अगर मैं f डाल दूं तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये करेगा चेंज, यस, आप इसमें f e l l o प्रिंट जो है वो कर सकते हो, ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है ना, म्यूटेबल है, ये चेंज हो सकता है, तो F E L L O जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं P of 0 is equal to F, मतलब मैं यहां पे अगर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं अगर यहां पे H की जगह F जो है वो अपडेट करने की कोशिश करूंगा, चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये यहां पे एरर देगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है, ये आपका कांस्टेंट, तभी तो हम बोल रहे हैं ना स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो ये अलाउड नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें ऑब्वियसली वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, जिसमें आप चेंज कर सकते हो, एलोकेशन कर दी मेमोरी, अब आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े बेसिक्स हैं, यही बेसिक्स जब अगर स्टूडेंट को क्लियर होते हैं ना, तब जाके सी प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करेंगे। थैंक यू।